मेरा नाम टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माई हॉस्पिटल क्वाइट बुक। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी हॉस्पिटल क्वाइट बुक कैसी है। तो मैंने थोड़े दिनों पहले अपनी क्वाइट बुक बनाई थी, और अगर आपको नहीं पता कि क्वाइट बुक क्या होती है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं अपनी क्वाइट बुक के साथ आ चुकी हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसी है। तो इनमें सारे पेशेंट्स की मम्मी हैं, तो चलिए उनसे एक इंट्रोडक्शन ले लें। ये है गर्दन टेढ़ी रहने वाली मम्मी, जिनकी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है। पता नहीं इनको कैसे सीधा करते हैं। ये है काले बालों वाली मम्मी, ये भी काली बालों वाली मम्मी। ये ऑरेंज बालों वाली मम्मी, इनको तो इनके बाल बिल्कुल ऑरेंज आइसक्रीम जैसे हैं। खाने का मन कर गया। तो ये सब मम्मियाँ हैं, तो चलिए अब इनके बच्चे देख लें। वो तो मुझे लास्ट पेज में मिलेंगे, इसलिए मुझे लास्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी है इसके अंदर पैक कर दी हैं, तो चलिए अब डॉक्टर देखते हैं। ओह, इसमें तो बहुत सारी मेडिकल चीज़ें बनी हैं, तो चलिए डॉक्टर देखते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरी इस वीडियो से देख के आप ये क्वाइट बुक बना सकते हैं, क्योंकि जिस वीडियो से मैंने बनाया था उसमें भी ये बनाना नहीं सिखाया गया था, तो मैंने फिर भी बना दी खुद से। आप सोच रहे होंगे इस डॉक्टर के कपड़े कहाँ हैं, तो वो नेक्स्ट पेज पे है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखा, मिल गए ना डॉक्टर्स क्लॉथ। तो सबसे पहले हम इनको ये सूट पहनाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, तो चलिए अब इसका कोट बना दें इसे। तो देखो इसने कोट भी पहन लिया, अब तक और सुंदर लग रही है। तो चलिए अब इसे कुछ और भी बना देते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अरे वाह, ये तो हैट है, तो चलिए अपने डॉक्टर को ये भी पहना देते हैं। तो अब तो हमारी डॉक्टर ने हैट भी पहन ली, तो चलिए इसे इसका बैज बनाते हैं। डॉक्टर लिखा है इस पे, तो इसका कहाँ लगना चाहिए ये बैज? अरे हाँ, यहाँ पे बिल्कुल जी। तो चलिए इसे बना देते हैं। अब तो हमारे डॉक्टर के पास एक सबूत भी हो गया कि वो एक डॉक्टर है। इस जस्ट जो नहीं, ये जो नहीं था, मजाक कर रही हूँ। तो ये इसने बैज पहन लिया और ये शाइन भी कर रहा है। ओ, हमारे डॉक्टर के पैर तो काफ़ी खाली खाली हैं, तो चलिए इसे चप्पलें भी बना देते हैं। चप्पल, अरे ये रही, उड़ गई। चलिए इसे जल्दी से पहना दे। तो ये पहन लिया हमारे डॉक्टर ने शूज़, और अब इसके पास सारी चीज़ें हो गई हैं, तो चलिए अब अगला पेज देखते हैं। वाह, ये तो फार्मेसी है, और यहाँ पे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। यहाँ बैंडेज, टैबलेट्स, सीरप्स, कुछ होम्योपैथी की दवाएँ और बहुत सारी टैबलेट्स हैं, और कुछ इंजेक्शन भी। तो ये तो हमारी फार्मेसी हो गई, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं।
तो ये आ गई हमारी पेशेंट चेकलिस्ट। पर पेशेंट्स कहाँ हैं? तो चलिए पहले पेशेंट्स को लाते हैं, उसके बाद चेकलिस्ट देखेंगे। ओ पेशेंट्स तो यहाँ हैं, तो यहाँ छुप के बैठे हैं, तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये आ गए हमारे पेशेंट्स, तो चलिए इनकी चेकलिस्ट पे लिख लेते हैं कि इनको क्या क्या बीमारियाँ हैं। तो सबसे पहले कौन सा पेशेंट जाना चाहेगा? मैं आऊँगी। ठीक है, तो चलिए इसका इलाज करते हैं, मतलब चेकलिस्ट पे नाम लिखते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक का लिख के दिखा रही हूँ कि कैसे करना है, और मैं आपको एक पूरी लिस्ट दिखा दूँगी कि आपको क्या क्या लिखना है इसमें, ताकि आप ये घर पे बना सकें और इससे इंजॉय कर सकें और खेल सकें। तो चलिए इसका चेकलिस्ट पे नाम लिख लेते हैं जल्दी से। तो मैं एक चेकलिस्ट निकाल रही हूँ, मैंने 5 पेशेंट बनाए हैं इसलिए 5 5 चेकलिस्ट बनाई हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या करना है, पहले ये लिखना है। आप ये वीडियो रोक के बना लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं आराम से रख सकूँ, से टाइम है पर फिर भी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनारिका है। ठीक है डॉक्टर जी, इसका नाम लिख। आप गर्ड हो तो मैं गर्ड पे चेक करवा देती हूँ। हार्ट रेट को तो चेक करनी पड़ेगी, तो ये अभी हमारी हार्ट रेट चेक करने की मशीन। इसकी हार्ट रेट है, तो चलिए अब इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो मैंने इसकी हार्ट रेट देख ली है, 56 आई है। तो चलिए अब इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं थर्मामीटर लाती हूँ। ये आ गया हमारा थर्मामीटर, तो चलिए इसको बुखार चेक करते हैं। तो इसको 39.6 डिग्री सेल्सियस बुखार है। इसकी शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसको कितनी तेज बुखार है। देखिए इसके पूरा मुंह लाल हो रहा है, नाक बह रही है। तो चलिए अब देखते हैं इसको पेन कितना हो रहा है। इतना पेन हो रहा है, अभी किस लिए आई है, इसको क्या है? तो इसका जवाब है इसको फीवर है। और अभी इसका देखेंगे कि इसको क्या देना है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ इसको बेड रेस्ट देना चाहिए, तो मैं उस पर टिक लगा देती हूँ। इसकी पूरी चेकलिस्ट बन गई। तो ये लीजिए मैम आपकी चेकलिस्ट, और अपना इलाज करवाइए। तो चलिए चेकलिस्ट के बाद अब अगले पेज पे चलते हैं। ये तो मुझे आई ट्रीटमेंट सेंटर लग रहा है। तो अभी हम इसका यहाँ किसी का यहाँ पे इलाज कर देते हैं, फिर भी तो देखते हैं इसका इलाज करते हैं। इसको हमने यहाँ पर सटा दिया है, इसका इलाज हम अलग तरीके से करेंगे। और इसके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह चोट आई है, खून वून निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं किसे इलाज करना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेन चीज लग रही है हॉस्पिटल की, यहाँ पे दांत चेक करने का रखा है, स्टेथोस्कोप रखा है, दवाई और बैंडेज हैं। यहाँ पे हाथ भी चेक, इसमें देखते हैं क्या रखा है। ओ इसमें दवाई है ऐसी,
एक टैबलेट थर्मामीच और ये क्या, ये भी कुछ दवाई, ये लेप होगा लगाने का कुछ। अब मुझे तो जो दिखा मैंने बना दिया है, तो देखा नहीं क्या है ऊपर भी कुछ सामान। तो अगला पेज है हमारा ये, जिस पे मुझे कुछ, ये मुझे एक एक्सरे रूम लग रहा है। हाँ ये एक्सरे रूम होगा या फिर ये एमआरआई भी हो सकता है, एमआरआई है शायद। चलिए किसी का एमआरआई कर देते हैं। तो इसकी ज़्यादा चोट आई है तो मैं सोच रही हूँ इसी का एमआरआई कर देती हूँ, इसके बहुत जगह चोट आई है। चलिए एमआरआई करते हैं। तो ठीक है, हो गया इसका एमआरआई। तो अब अगले पेज पे इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये आ गई है रिपोर्ट्स, और यहाँ पे बहुत सारी हैं रिपोर्ट्स, हाथ की है, पैर की है, मुंह की है और चेस्ट की है। तो मैं जैसे इसको निकालूंगी और यहाँ पे देख लूँगी कि ठीक है या नहीं, तो चेक कर लूँगी ऐसी। तो यहाँ से निकाल के इसे वापस यहाँ रख दूँगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है मुझे स्क्वाइड बुक की। तो इसका इलाज हम बाद में करेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं और अगला पेज देखते हैं। ये है डेंटिस्ट का एरिया, यहाँ पे बहुत सारी डेंटल चीज़ें रखी हैं, माउथ वॉश रखा है। ओ ये तो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। तो जिसके दांत में दर्द था उसे बुलाते हैं। ये है वो आदमी जिसके दांत में दर्द था, मजाक कर रही है, बच्चा है। तो इस बच्चे के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो अभी हम इसका इलाज करने वाले हैं। और बेचारे की शक्ल देखो तो चलिए इसका इलाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका दांत निकालूंगी क्योंकि इसके दांत में दर्द हो रहा है। तो मैं ये खतरनाक वाला औजार लेने वाली हूँ और इसका दांत निकालने वाली हूँ। तो अब मुझे शायद ये यूज़ करना चाहिए। चलो हो गया, थोड़ा पेस्ट भी कर लो, ब्रश नहीं कर रहा होगा इसलिए दांत में दर्द हो रहा है। अब इसको कुल्ला करा देती हूँ क्योंकि अभी इसमें पेस्ट करा है। और अब बस लास्ट पर ऐसे कर रही हूँ और फिर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लूँगी। ये तो ठीक हो गया। तो चलो अब इसको माउथ वॉश करा देते हैं क्योंकि हमने इसका इतना बड़ा इलाज करा है, तो माउथ वॉश तो कराना ही पड़ेगा। तो इसे पी लो और अब माउथ वॉश। तो इसका माउथ वॉश भी हो गया। तो ये तो हो गया हमारा एक पेशेंट बिल्कुल ठीक। तो चलिए और भी पेशेंट्स को ठीक करते हैं और बस ठीक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये एक बस कौन सी जगह है ये मुझे खुद नहीं पता, फिर भी हम इसका यहाँ किसी का यहाँ पे इलाज करना। और वो है ये यहाँ पे अभी बैठ रही थी। तो ये बैठ चुकी है, तो इसको हम इंजेक्शन लगाएंगे। तो इंजेक्शन ये रहा खतरनाक इंजेक्शन जिससे बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं। तो चलिए अब इसके लगाते हैं हम यहाँ से इंजेक्शन करेंगे और अब इस इंजेक्शन को अंदर रख देते हैं ताकि ये सही रहे बिल्कुल और ख़राब ना हो। तो हमने इंजेक्शन को अंदर रख दिया और अब इसके हम बैंडेज लगा देते हैं। मैंने इसकी यहाँ पे इंजेक्शन लगाया था तो यहाँ पर
और अब देखना ये भी ठीक हो जाएगी। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे ये तो ठीक हो गई, अरे अब तुमने क्यों बैंडेज लगा रखी है, अब इसे निकाल दो। और अब हम इस बैंडेज को यहाँ रख देंगे सेफली। यहाँ पे एक बार नज़र मार लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक एंटीसेप्टिक दवाई है जो कि हम कॉटन पे लगा के पेशेंट को लगा सकते हैं, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमारा एक और पेशेंट ठीक हो चुका है। ये तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओ ये तो ऑपरेशन थिएटर है, तो चलिए यहाँ पे इसका ऑपरेशन कर देते हैं। हमें इसका इलाज करना है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। यहाँ पे लेट गया है, अब इसके हम ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे। ओ मैं वाला मास्क, ओ माफ़ करना दोस्तों, वो कोई वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन मास्क नहीं है, मास्क नहीं है, ये चेक करने के लिए, पेट चेक करने के लिए कि पेट पे इसकी क्या क्या है। ये है, ये दोनों रिपोर्ट निकाली। इसके पेट में जर्म्स हो गए हैं क्योंकि इसने बहुत सारी टॉफीज खाई हैं। कोई बात नहीं, हम इसको दवाई देके ठीक कर देंगे। तो दवाई के लिए हमें जाना पड़ेगा फार्मेसी में, और ये दवाई खा के बिल्कुल 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 ठीक हो जाएगा। तो चलिए पीछे चलते हैं फार्मेसी। तो हम आ गए हैं फार्मेसी में एक प्यारे से बच्चे को दवाई खिलाने। इसको पानी है और चाप में, और इसे इंजेक्शन भी लगा देते हैं। और कुछ ये वाली दवाई भी खिला देते हैं, लगाएंगे नहीं दवाई, दवाई कौन लगाता है। तो ये रही दवाई, और आप खाओ इसे। तो इसने सारी दवाई खा ली है, इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाओ। और ये ठीक हो गया, ये तो जिस जगह हमने क्या नाम है तुम्हारा अनिरुद्ध, हाँ जिस जगह हमने अनिरुद्ध का इलाज करा उस जगह अब हम रेहा का भी इलाज करेंगे। तो चलिए इसको ले चलते हैं उसी जगह। तो अब हम उसी जगह आ गए हैं, और अब हम यहाँ पे रेहा को लेटाएंगे, और इसके दो दो जगह ऑपरेशंस होंगे। तो ये यहाँ लेट गई है क्योंकि इसके पेट में दर्द है, तो पेट में इसे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और इसकी भी अब रिपोर्ट आ जाएंगी। इसकी तो सेम ही प्रॉब्लम है। तुम ये दवाई और चलिए अब इसको अगले पेज पे इसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओ ये तो काफ़ी डरावनी के बारे में ही है, अब यहाँ पे इसका इलाज होगा। तो इसको हाथ बाहर रखेंगे, और कौन सा लगाया कौन सा लगाया, मुझे लगता है रेड। तो हाँ मैंने इसके लगा दिए यहाँ पे रेड वाली नीडल, और अब इसकी बॉटल चल रही है। तो तब तक हम इसके इंजेक्शन भी लगा देते हैं येलो वाला। इंजेक्शन भी लग गया, तो देखते हैं ये ठीक होती है या नहीं। ओ ये तो ठीक हो गई, तो हमने एक और चने को ठीक कर दिया। चलिए अब अपने लास्ट पेशेंट को ठीक करते हैं और इस जर्नी को ख़त्म करते हैं। तो हमारी लास्ट पेशेंट है सोनारिका, इसका भी हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कर देते हैं। इसके लिए बेड छोटा बढ़ गया है, कोई बात नहीं, अब इसके हम ब्लू वाली नीडल चढ़ाने वाले हैं।
तो इसके लिए मैंने नीडल लगा दी है और इसके मैं लगाने वाली हूँ रेड वाला और सबसे खतरनाक इंजेक्शन। चलिए ये इंजेक्शन लगा देती है। तो हमने इसके इंजेक्शन लगा दिया और अब मेरे ख्याल से ये भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। और ये भी ठीक हो गई और हमने फाइनली सारे पेशेंट्स को ठीक कर लिया। वाओ, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो चलिए अब सारे पेशेंट्स को देख लेते हैं। अरे सारे ठीक ठीक पेशेंट सर और अंशिका, रेहा, अनिरुद्ध, सोनारिका और डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता। अगर आपके पास कोई नाम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं डॉक्टर का नाम। तो हो गए सारे पेशेंट ठीक। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिक 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 बाय बाय। और हाँ, डॉक्टर का नाम जरूर सजेस्ट करा देना। तो थैंक यू।